Hello dear children, welcome to my channel Computer Science with Meena Dubra. In today's video session children, we are going to cover a scenarios topic from session 1, Analyze Data Using Scenarios in GoalC, that is part of Unit 2 Electronic Spreadsheet Advanced of CBSE Class 10th IT syllabus. I have recently uploaded videos from the same session on calculating subtotals and using GoalC. I request all of you to please watch those videos too, because this session, as I said in my earlier video too, is covering a lot of new concepts and it's very lengthy, so it's better if we master it step by step. You'll get the links for those videos in the description. So without wasting any further time, let's get on with the agenda for this video, and that is scenarios. So for explanation's sake children, once again I would be referring to the CBSE study material. Its link you will get in the description, and I'm reading from page number 65 of your CBSE study material. So what if scenarios basically kya hote hain? Let us see. Scenarios children, they are used to test what if questions. What if questions hote hain, agar ye ho to kya ho, ye aise ho to kya ho, what if this is the scenario, what if this is the value. तो सीन क्या बनेगा, सिनेरियो क्या बनेगा. सो सिनेरियोज बेसिकली दे आर अ टूल टू टेस्ट व्हाट इफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक, ईच सिनेरियो दिस हैज अ नेम, ईच सिनेरियो इज नेम्ड, इट कैन बी एडिटेड एंड फॉर्मेटेड सेपरेटली. आप डिफरेंट सिनेरियोज बनाते हो सिमिलर सिचुएशन के लिए. सपोज आपने सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, सो आप उसके लिए अलग अलग सिनेरियोज बनाओगे. दैट इज, अगर मेरे प्रिंसिपल की वैल्यू ये है तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा. सपोज अनदर वैल्यू फॉर प्रिंसिपल, व्हाट विल बी माय सिंपल इंटरेस्ट. आप एक ही वेरिएबल को नहीं चेंज करके देख सकते, जैसे हमने GoalC में किया था. वी कुड ऑल्टर ओनली वन वेरिएबल, क्योंकि एक ही वेरिएबल सेल था डायलॉग बॉक्स में, हम एक ही वेरिएबल को यूज कर पा रहे थे. इट्स नॉट सो ओवर हियर, यू कैन चेंज मल्टीपल वैल्यूज एंड सी व्हाट विल बी द चेंज, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ चेंज ऑफ दोज वैल्यूज ऑन योर फॉर्मूला. सो हर सिनेरियो का एक नेम होगा. एक शीट में कई सिनेरियोज हो सकते हैं फॉर द सेम फॉर्मूला. ईच सिनेरियो विल बी आइडेंटिफाइड विद अ यूनिक नेम, यू कैन एडिट इट, सेट इट्स प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मेट इट सेपरेटली. नाउ व्हाट हैपेंस, यू नो सिनेरियोज दे ओवरलैप ईच अदर ऑन अ शीट. सिनेरियोज ओवरलैपिंग होती है उनकी. सो जब आप सिनेरियो ओवरलैप्ड होगा, सो एक टाइम पर एक ही सिनेरियो आपका एक्टिव होता है स्क्रीन पर. सो व्हाट विल हैपन, इफ यू विल प्रिंट द स्प्रेडशीट, ओनली द करेंटली एक्टिव सिनेरियो विल बी प्रिंटेड, ओनली द करेंट कंटेंट ऑफ द करेंटली एक्टिव सिनेरियो विल बी प्रिंटेड. सो सिनेरियो एक सेफ सेट ऑफ सेल वैल्यूज है फॉर योर कैलकुलेशंस. आपने अपने फॉर्मूला के लिए कुछ वैल्यूज को यूज किया, वो सेव हो गई एक सिनेरियो के अंदर. फिर आपने उसी फॉर्मूला के लिए नए सेट ऑफ वैल्यूज को यूज किया, दूसरा सिनेरियो बनाया, सेकंड सेट ऑफ वैल्यूज सेव हो गई. सो दिस इज व्हाट यू हैपेंस व्हेन यू सेव अ सेट ऑफ सेल वैल्यूज फॉर योर कैलकुलेशंस, दे कीप ऑन गेटिंग सेव्ड इन यू नो रिस्पेक्टिव सिनेरियोज. एंड आप किसी टाइम पर किसी भी सिनेरियो को सिलेक्ट करके देख सकते हो कि आपकी वो सेव्ड सेट ऑफ वैल्यूज का कैलकुलेशंस पर क्या इम्पैक्ट आया. ठीक, हाउ डू वी व्यू सिनेरियोज, देर आर टू ऑप्शंस टू व्यू सिनेरियो. वन इज, यू नो, व्हेन वी क्रिएट द सिनेरियो, एवरी यू नो वी गेट अ टाइटल बार एंड दैट नेम्स दैट लिस्ट द नेम ऑफ द एक्टिव सिनेरियो. देयर इज अ ड्रॉप डाउन लिस्ट नेक्स्ट टू इट, जहाँ से आप सिनेरियो को देख सकते हो. ठीक है, स्विच कर सकते हो डिफरेंट सिनेरियोज के बीच में. और दूसरा आप नेविगेटर विंडो से कर सकते हो, जो ऑब्जेक्ट बार में आपको अवेलेबल होती है. सो आई विल शो इट एवरीथिंग टू यू इन द वीडियो एज वी विल प्रोसीड थ्रू इट. अब सिनेरियोज को बनाते कैसे हैं. सी, टू क्रिएट सिनेरियोज वी हैव टूल्स मेन्यू. टूल्स, आप अपनी शीट तैयार कर लीजिए, वेरिएबल कंटेंट्स उसमें सेव कर लीजिए, फॉर्मूला लगा के रख लीजिए. अब आप सिनेरियो क्रिएट करो. सो सिलेक्ट द सेल्स, यू कैन सिलेक्ट अ सिंगल सेल, मतलब ऑल द सेल्स दैट यू नो दैट विल कंटेन द वैल्यूज दैट विल अप्लाई टू अ सिनेरियो. अब आप वो सारे सेल्स की वैल्यूज अलग रख सकते हो, किसी एक की वैल्यू अलग रख सकते हो, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू. सो टू सिलेक्ट मल्टीपल सेल्स, यू होल्ड डाउन द कंट्रोल की एज यू क्लिक ईच सेल. व्हाट हैपेंस, जब भी आप सेल्स को सिलेक्ट करते हो, दे आर कंटिन्यूअसली यू नो कंटिन्यूअसली प्लेस्ड. सो आप ड्रैग ड्रॉप करके सेलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, या शिफ्ट की हेल्प से सेलेक्ट कर सकते हो. लेकिन अगर आपके सेल्स जो हैं, मतलब आप फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करो, प्रेस द शिफ्ट की एंड सेलेक्ट द लास्ट सेल ऑफ दैट रेंज, सो ऑल द कंटिन्यूअस सेल्स विल बी सिलेक्टेड. बट सपोज इफ योर
cells are scattered, they are not continuous. They are not continuous. So what you can do, you can select those cells by holding down the control key and keep clicking on each of the cells that you want to select. Now go to tool scenarios. Tool scenarios mein jao, and on the create scenario dialog box that you will get, observe what all you things you will get. ये होता है आपको पहले नेम देना होता है सिनेरियो को. यू विल गेट अ डिफॉल्ट नेम, शीट नेम के साथ आता है सिनेरियो का नेम, बट यू कैन गिव अ मीनिंगफुल नेम टू योर सिनेरियो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग. आपको सजेस्टेड है कि आप एक मीनिंगफुल नेम दो दैट क्लियरली आइडेंटिफाइज द पर्पस ऑफ दैट सिनेरियो एंड डू नॉट रिटेन द डिफॉल्ट नेम. फाइन, ये नेम कहाँ कहाँ डिस्प्ले होगा? ये नेम आपका डिस्प्ले होगा जब आप नेविगेटर विंडो से सिनेरियो को एक्सेस करोगे, या आप सिनेरियो की शीट पर जो सिनेरियो की टाइटल बार है वहां पर भी आपको ये विजिबल होगा. नेक्स्ट इज कमेंट. कमेंट इज यू नो बाय डिफॉल्ट द ऑथर नेम एंड द डेट एंड टाइम इज शोन फॉर ईच सिनेरियो. यू कैन गिव मीनिंगफुल कमेंट्स, दे विल ऑल्सो बी शोन टू यू व्हेन यू विल डबल क्लिक ऑन अ सिनेरियो नेम इन द नेविगेटर विंडो. तो आपको कमेंट वहां विजिबल होता है. कमेंट्स आर नथिंग, दे आर बस शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस दैट यू सेव फॉर ईच ऑफ योर क्रिएटेड सिनेरियोस. ठीक है, फिर सेटिंग्स आती है नीचे. देयर आर फोर सेटिंग्स. डिस्प्ले बॉर्डर, जो सिनेरियो का बॉर्डर कलर है बाय डिफॉल्ट ब्लैक होता है, बट यू कैन चूज एनी कलर फॉर द डिस्प्ले बॉर्डर फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स. कॉपी बैक क्यों हम यूज करते हैं? कॉपी बैक देखिए, चार सेटिंग्स है बेटा. इन दिस वीडियो आई विल ओनली कवर द फर्स्ट थ्री बिकॉज द लास्ट सेटिंग दैट इज प्रिवेंट चेंजेस. इट रिक्वायर्स अ डीपर एक्सप्लेनेशन एंड दैट विल एक्सटेंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस वीडियो. सो आई विल पुट अप अ सेपरेट वीडियो फॉर इट्स एक्सप्लेनेशन. But for the first three, I can tell you right away. Third one, I'll show you. I'll show them practically also to you. So display border मैं आपको बता चुकी हूँ. Copy back में what is going to happen? See, suppose जब आप scenario बना लिया, आपने 5000 principal के लिए simple interest का scenario बना लिया. Next scenario want to check for 8000 principal amount. So जब आप values change करते हो ना sales की नया scenario बनाने के लिए, और अगर आपने copy back को click रहने दिया तो क्या होगा? आपकी ये जो चेंज्ड वैल्यूज हैं वो आपके एक्टिव सिनेरियो पर कॉपी हो जाती हैं. हम ये नहीं चाहते. हम ये चाहते हैं कि हमारे हर सिनेरियो कि अगर हम नया सिनेरियो बनाने के लिए उन्हीं सेल्स में कुछ वैल्यूज चेंज करें तो वो मेरे प्रेजेंटली एक्टिव सिनेरियो पर कॉपी ना हो, क्योंकि मैं नए सिनेरियो के लिए नई वैल्यूज को यूज कर रही हूँ. वो पुराने वाले एक्टिव सिनेरियो मेरा करंट एक्टिव है उस पर कॉपी ना हो, इसलिए मैं इस कॉपी बैक को डीसेलेक्ट करूंगी जब मैं सिनेरियो दूसरा बनाऊंगी और वैल्यू चेंज करूंगी. ठीक है, कॉपी एंटायर शीट से क्या होता है? जिस भी सिनेरियो के लिए आप कॉपी एंटायर शीट कर देते हो तो उस सिनेरियो का कंप्लीट डेटा एक नई वर्कशीट पर कॉपी हो जाता है, एक नई शीट पर. उस शीट का नाम वही होता है जो सिनेरियो का नेम होता है, उस पर कॉपी हो जाता है. तो ये डेटा एडिशनली सिनेरियो वाली शीट पर तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ साथ ये सेम डेटा एक नई शीट पर भी कॉपी हो जाएगा. फिर आप ओके कर दोगे. व्हेन यू विल क्लिक ऑन ओके, यू कैन यूज ये देखा, ये आपको बताया इन्होंने, कमेंट्स डाल दीजिए. फिर आप डिफरेंट सेटिंग्स को सिलेक्ट करके ओके कर दीजिए. न्यू सिनेरियो इज ऑटोमेटिकली एक्टिवेटेड और आप उसी सेम रेंज ऑफ सेल्स के लिए अलग अलग सिनेरियोस को क्रिएट करके देख सकते हो. सो आई होप आई हैव क्लैरिफाइड द थियोरेटिकल पोर्शन एंड नाउ वी आर रेडी टू ट्राई इट आउट प्रैक्टिकली. सो फॉर दिस प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन आई हैव रिटेन द सेम एग्जाम्पल दैट वी यूज फॉर गोल सी. तो हमने यहाँ प्रिंसिपल चूज किया, एक ब्लैंक रो खाली छोड़ना, क्योंकि यहाँ पर आपका सिनेरियो का टाइटल क्रिएट होगा, टाइटल बार आएगी. सो जब भी आप सिनेरियो क्रिएट करो एक ब्लैंक रो ऊपर होनी चाहिए. ठीक है, सो आपने यहाँ पर एंट्रीज कर ली. मैंने यहाँ प्रिंसिपल डेट टाइम एंटर करा हुआ है. इस सेल में मैंने फॉर्मूला लगाया है PRT/100, प्रिंसिपल इंटू रेट अपॉन टाइम बाई 100. इस सेल में फॉर्मूला लगाया, सो B2 इंटू B3 इंटू B4 इन ब्रैकेट्स बिकॉज आई वॉन्ट द मल्टीप्लीकेशन टू बी डन कम्प्लीटली बिफोर द डिविजन बाई 100 कैन टेक प्लेस. सो आई प्लेस B2 इंटू B3 इंटू B4 इंटू ब्रैकेट्स एंड देन आई रिटन डिविजन बाई 100. फाइन, सो अब हम सिनेरियो बनाने के लिए इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करेंगे एंड देन आई गो टू टूल्स मेन्यू एंड चूज द ऑप्शन सिनेरियोज. व्हेन सिनेरियोज इज गिवन, सी दिस क्रिएट सिनेरियो विंडो इज has popped up on the screen. I'll give a meaningful name to my scenario. Say suppose I say SI_ मेरा जो simple interest है SI_1, simple interest 1 मैंने यहाँ पर create किया. यहाँ पर आ गया description कि who has created, the author name, the date and time on which it has been created. I can mention additionally that I am creating it for the value of principal as 5000. So for display border, I will choose a border color for my scenario. Let's pick up orange color and I'll deselect this copy back option. Why? Because when I'll
पुट अनदर सिनेरियो, तो मैं इस 5000 को जब रिप्लेस करूंगी सपोज 8000 से, सो मैं नहीं चाहती कि मेरे चेंज सेल्स का कंटेंट मेरे एक्टिव सिनेरियो पर कॉपी हो. सो आई deselect this copy back option and click on OK. Observe what happens when I click on OK. A title is added, a title bar is added with a drop down arrow towards the right, and in the title bar the name that I gave to the scenario is appearing. And when I click on this drop down arrow, I am only being given one name because I have not created another scenario. So, इस तरीके से ये border color भी apply हो गया आपका और title bar भी introduce होगी जिसके लिए हमने एक blank row छोड़ी थी. Now what I'll do, I'll make another scenario and I'll change the value of principal to 8000 and see this formula, now it's showing 320. So I'll create a scenario for this situation when my principal is 8000. I'll follow the same steps, go select the data, go to tool scenario, and now I'll give a name to this scenario, that is SI_2 scenario 2. And over here, I'll add to the comment that I have created this scenario with principal amount 8000. Again, I'll choose a border color for my scenario. Let's suppose now I take pink and I'll deselect this copy back option so that the changed values of the cells are not copied into the active scenario. I'll click on OK. Fine. So now let's see this drop down list. अब अगर मैं फर्स्ट सिनेरियो पे की नेम को सेलेक्ट करती हूँ, आई गेट द कंटेंट्स, माय डेटा चेंजेस, माय एक्टिव सिनेरियो इज नाउ SI_1 एंड आई एम एबल टू सी द रिजल्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल अमाउंट 5000. इफ आई क्लिक ऑन SI_2, आई कैन सी द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल अमाउंट 8000. नाउ आई चेंज इट टू 10000. फाइन, आई क्रिएट द थर्ड सिनेरियो एंड व्हाट आई कैन डू, अगेन आई विल सेलेक्ट द होल थिंग and I'll go to tools menu and choose the option scenarios. Here I'll give a name SI_3 to my new scenario, and again I'll add to the comment that I can even remove the comment and write something afresh, but I'm letting it remain there. I'm just adding that this is for principal 10,000. Border color I may choose as, you know, say suppose I choose blue, and copy back ko deselect karte and see what happens now when I'll click on this option copy entire sheet. See, as I click on copy entire sheet, see what will happen when I click on OK. A new sheet SI_3, क्योंकि मैंने scenario 3 के लिए जिसका title मैंने दिया था, जिसको मैंने name दिया था SI_3. See, my scenario is there, ठीक है, और इस scenario का data एक नई sheet पर calc ने introduce कर दी, एक नई sheet add करी calc ने, और इसका पूरा data copy कर दिया थर्ड सिनेरियो का इस शीट पर. सो दिस इज व्हाट हैपेंस, थर्ड सिनेरियो मेरा यहाँ अवेलेबल है, ठीक है, ऑल माय थ्री सिनेरियोज आर अवेलेबल हियर, बट व्हेन, क्योंकि मैंने थर्ड सिनेरियो के लिए कॉपी एंटायर शीट को क्लिक किया था, सो एक नई शीट बन जाती है सिनेरियो के ही नेम से और उसमें थर्ड सिनेरियो का सारा डेटा कैल्क लिख देता है. सो दिस इज द यूज ऑफ दैट थर्ड सेटिंग. फाइन, अब हम बात करते हैं सिनेरियोज को, हम क्विकली देखते हैं नेविगेटर जो ऑप्शन होता है हमारा ऑब्जेक्ट बार में, इस पर क्लिक करते हैं एंड हियर यू सी द फिफ्थ बटन दैट इज सिनेरियोज, ठीक है, ये दिख गया होगा आपको, इस पर क्लिक करो एंड सी यू गेट ऑल दी सिनेरियोज दैट आर प्रेजेंट इन दिस शीट इन दिस नेविगेटर विंडो. When you single click on a scenario, see, when you single click on a scenario, what happens, the comments that you have added, they are displayed in the lower portion, lower half. Fine, single clicking will display the comments for that scenario. Fine, now when you double click on a scenario, see, observe the sheet as I double click on the scenario, my currently active scenario is third scenario. Fine, when I double click on the scenario name, see, my active scenario is also getting changed and so is the comment underneath. Fine, so this is the use of single click, will not change the active scenario, it will only display its comments, whereas double click will change the active scenario. Now what happens when you right click on the scenario, you get two options, one is delete, the other is properties. So delete par jab aap click karoge, so this scenario is going to get deleted, so I'm not deleting it right now, you can try it out. When I click on properties, see, jaisa mera create scenario dialog box tha, in the same manner I have got another dialog box and that is edit scenario. I can edit the settings of this scenario, say suppose I change it to sky blue, the border color. Fine, aur bhi aap jo bhi editing karna chaho is scenario mein kar sakte ho. Okay kar do, see these settings are applied, the editing is done. So to edit a scenario, what you can do, you can double right click on the scenario name in the navigator window
and click on Properties, which opens up the Edit Scenario dialog box for you, from where the properties can be edited. Okay, so this is about, and what will happen, suppose, jaise maine aapko bataya, is samay I have three scenarios, na? But which is the active scenario, that is SI_1. So if I choose the print option now, so only my active scenario will be printed and not all the scenarios. Agar aap bahut dhyan se isko dekhoge, वैसे visibility नहीं है, but still if you will try it out on your own systems, तो आप देखोगे कि यहाँ पर हमारा active scenario ही print होता है जब हम sheet को print करते हैं. ठीक है, so this was about scenarios. I will come up with another video with different examples, with a new example, जिसमें हम ज़्यादा variables को एडिट करके सिनेरियो अप्लाई करेंगे. एंड आप इतने इसको ट्राई आउट करना एंड प्रैक्टिकली ट्राई आउट करके ज़रूर देखना बेटा, क्योंकि प्रैक्टिकली ट्राई आउट करने से कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं. वॉच दिस वीडियो, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड देन ट्राई इट आउट ऑन योर ओन. एंड डू कम बैक टू मी विद योर क्वेरीज इफ एनी एंड योर वैल्यूएबल फीडबैक, बिकॉज दैट इज माई सोर्स ऑफ मोटिवेशन. फाइन, सो आई विल वेट फॉर योर फीडबैक eagerly till we meet again, children. Happy learning and God bless you. Thank you so much.